उस चैलेंजेस पे ओवरकम करने में दिक्कत आती है, उसकी वजह ये है कि इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। एवरी टाइम दे आर पीपल आर वर्किंग, मैंने आपसे अक्सर जिक्र किया है, लोगों के लिए लोगों को नहीं पता गेम ओके कब आएगा, लेकिन गेम ओके पे 10 बंदे काम करते हैं, सुबह से शाम तक यही काम कर रहे होते हैं, एपीआईज लगाते हैं, उसको इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, उसको जो है वो उसके साथ गेटवेज अटैच कर रहे हैं, बीएफआईसी कर चुके थे वो, फिर उमर भाई ने उस दिन अनाउंसमेंट किया कि इसमें बीएलवी को भी इंटीग्रेट करें, बीएलवी भी इंटीग्रेट होगा, और इवन जो है वो 10 तारीख के बाद जो है वो खैर उसमें नहीं, उसमें यही है स्टोर में भी यही था कि स्टोर के अंदर बीएफआईसी के साथ सब्सक्रिप्शन में जो है वो बीएलवी ऐड करें हैं, सुपर 11 गेम के साथ भी यही है कि बीएफआईसी के साथ बीएलवी इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी उनका एक डिसीजन था श्रीलंका से आने के बाद, जो भी उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने टीम को इंस्ट्रक्शन दी कि गेटवेज के अंदर मुझे ये बीएलवी भी चाहिए, 3 जगहों पे बीएलवी को फौरी तौर पे लगा दें, फौरी तौर पे जो है उसको इंटीग्रेट करें, जिसमें एक जगह है जो है वो सुपर 11 की गेम्स है, क्रिकेट फैंटेसी लीग है, जिसके अंदर आप बीएलवी से खेल सकेंगे, बीएलवी कमा सकेंगे। दूसरा आपका गेम ओके है, जहां आप बीएलवी से खेल सकेंगे, बीएलवी से कमा सकेंगे। और तीसरा आपका बी स्टोर है, बी स्टोर पे मैंने एज ए सेलर स्टोर बनाया है, उस स्टोर के ऊपर जो मैंने सब्सक्रिप्शन ली है वो मैंने ली है बीएफआईसी से, लेकिन 10 तारीख के बाद आप बीएलवी से भी उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे। आज संडे का दिन था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि 10 अगस्त के बाद बीएलवी भी लगाना है, उसके लिए जो बी स्टोर के गेटवे पे काम करने वाले लोग हैं 2-4 वो आए हुए, मतलब यह है कि हर टाइम काम हो रहा होता है, इकोसिस्टम इतना बड़ा है। लेकिन मैं आपको इस चीज का बता दूं कि लोग इन चीजों की सिर्फ कहानियां बेच के पैसा लोगों से उठा लेते हैं, कहानी बेच के, लेकिन यहां पर ये सब चीजें रियलिस्टिक होने के लिए जा रही हैं। इट विल टेक टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि तमाम इकोसिस्टम, ये पूरे इकोसिस्टम के साथ जब आप इस इंडस्ट्री में आएंगे ना, जब आपको दुनिया देखना शुरू करेगी और आपके पास ये प्रोडक्ट्स मैच्योर लेवल की पड़ी होंगी, तो आप यकीन करिए कि आप बहुत 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 ज्यादा ग्रो करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ग्रो वही करेगा, एक हमारे भाई कहा करते थे, जो टिकेगा वही इतिहास रचेगा। तो वो जो है, अगर आज जो लोग स्टे करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने देखा कि जिन लोगों ने बीटीसी को संभाल के रखा, आज वही बीटीसी के किंग है, आज वही वेल्स हैं, आज उन्हीं के लोग ऑटोग्राफ लेते हैं। लेकिन जिन्होंने बेच दिया हुआ है, उनकी तो सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं आप लोग इबरत के लिए, हाँ जी मैंने $2 में इतना बेच दिया था, मैंने $50 का इतना बेच दिया था, उनकी तो कहानी सिर्फ लोगों को समझाने के लिए होती है। लेकिन जो मार्केट के वेल्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, आप एक इंडस्ट्री में आए हैं जिसे आप क्रिप्टो इंडस्ट्री कहते हैं, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आपको राजा बनना है, तो राजा बनना है तो फिर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, फिर स्ट्रगल करना पड़ेगी। फिर किसी राजा की कहानी सुनिए जिसने आम आदमी से राजा का सफर किया है, उसने कितनी जंगें लड़ी हैं और उसने कितना कष्ट किया है, कितने प्रॉब्लम सहे हैं, कितने जख्म खाए हैं, वो सारे आपको करने पड़ेंगे तो आप भी राजा बन सकते हैं। तो बस मेरी तरफ से इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, बाकी आपको एक दो दिन में सारी चीजें स्मूथ मिल जाएंगी। आपको आपके जो बहुत सारे चैलेंजेस थे कल के दिन में बीएफआईसी के हवाले से भी आपको एक न्यूज शायद पहुंच चुकी होगी, कोर टीम जो थी, जो इस वक्त 43 लोगों तक पहुंच चुकी है इनोवेशन फैक्ट्री की, उस कोर टीम की एक मीटिंग के अंदर उमर भाई ने ये बताया था और शेयर भी कर दिया था कि जो लोग जिन्होंने 10 बीएफआईसी तक जो है वो बीएफआईसी के नेटवर्क में लगाए थे, वो कितना कमा चुके हैं इससे हटके, उनका 10 बीएफआईसी का कैपिटल उनको रिटर्न किया जा रहा है, और वो रिटर्न करने के लिए उन्होंने स्टेकिंग वॉलेट था, लॉक्ड वॉलेट था, जिसमें से टोकन निकलते नहीं सिर्फ आते हैं, उस वॉलेट के अंदर से पहले 69,000 समथिंग, वो आप ब्लॉकचेन पे जाएंगे ट्रांजेक्शन दिख जाएगी, और कल के दिन में 1,46,000 समथिंग करके जो बीएफआईसी थे वो रिलीज किए हैं। इसका मतलब है कि 2.25 लाख बीएफआईसी के करीब रिलीज कर दिए गए हैं। साथ उन्होंने बता दिया है कि हर बीएलवी की क्या कहते हैं उसको, बर्निंग पे, अच्छा मेरा दिल करता है कि मैं बर्निंग को हाविंग बोल दिया करूं, बोल मैं दिया करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग फिर उंगली उठाया करेंगे कि यार इन्हें पता ही नहीं हाविंग क्यों थी। तो बीएलवी की बर्निंग के ऊपर जो है वो हर बीएलवी की बर्निंग पे उमर भाई अनाउंसमेंट किया करेंगे कि इस महीने कितने बीएफआईसी जो है कैपिटल के तौर पे रिटर्न किए जा रहे हैं। ये बीएफआईसी नेटवर्क के हैं जिन्होंने बीएफआईसी नेटवर्क किया था, बीएफआईसी में अर्निंग की थी, बीएफआईसी में जो है वो नेटवर्क बनाया था, उन्होंने जो अर्निंग्स की है वो अलग, उनका जो कैपिटल है उन्होंने जो प्रॉफिट लिया वो भी अलग, जो उनका कैपिटल है
वो उनको रिटर्न किया जा रहा है क्योंकि BFIC नेटवर्क को क्लोज कर दिया गया है, तो वो जो उनका कैपिटल है उनको वापस किया जाएगा, और उसमें से जिनके 10 तक के हैं उनको कल से भेजना शुरू कर दिया गया है। जो रहते थे 23,000 लोगों को जा चुका था, 35,000 शायद कुछ रहते थे, उनको कल से जा रहा है। उम्मीद है कि आज रात तक, कल सुबह तक उनको मिल जाएगा। अपने BFIC के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको फ्यूचर के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसको थोड़े दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं, उससे बी बॉन्ड खरीद सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट। तो ये एक अच्छी और बेहतरीन क्लोजिंग है, और ये आदतें, ये खूबियां इस कंपनी को आगे लेकर के जा रही हैं। आई डू रिमेम्बर उमर भाई ने बताया कि जब बुनीतो का प्लान पहली दफा किया था उस टाइम के ऊपर, जब प्रोजेक्ट सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, टेक्निकल चैलेंज आए थे, तो जिन लोगों का बी बॉन्ड्स जिनके पास आए थे, जिनके अकाउंट नहीं लग सके थे, उनको उनका कैपिटल वापस कर दिया गया था। यानी जो कमा नहीं सके थे उस टाइम पे सिस्टम के फ्लॉप होने की वजह से, या सिस्टम के फेल होने की वजह से, टेक्नोलॉजी के फेल होने की वजह से, टेक्नोलॉजी के एरर की वजह से नहीं कर पाए थे, तो उसको वो कर पा उसको उन्होंने रिटर्न कर दिया था। तो इसी तरह अभी BFIC नेटवर्क तो सक्सेसफुली क्लोज हुआ है, उसके लास्ट डेज के अंदर मेरा ख्याल है कि 2-3 मिलियन डॉलर का टोकन जो है BFIC जो है वो स्टेक हुआ है। तो इसलिए वो जो है उस प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुली क्लोजिंग की जा चुकी है, उसमें